कितने कितने 100 सही पकड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, पेट्रो में आप लोगों ने काफी सेलिब्रेशन किया कि कटिंग की, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो शोज चल रहे हैं उनमें दो दो तीन तीन महीने में चीज़ें बंद हो रही हैं। ऐसे में अगर कोई चीज़ छठे साल में चल रही हो, मार्च 3 को हम 6 साल पूरे कर लेंगे और 1500 एपिसोड तक पहुंच रहे हो, तो ये हम बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जबकि देखने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ है, पूरा एक वेब वर्ल्ड है जो काम कर रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वो मैं समझता हूँ हमारी जो राइटर है उनकी राइटिंग है, जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप पसंद करते रहें, आपका प्यार मिलता रहेगा, तो 6 साल नहीं पूरे 12 साल 15 साल बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और फिर यहीं से निकल लेंगे। सर कोविड में आप काफ़ी लोगों को आपने डांटा भी, जो लोग बाहर निकले थे, तो कुछ कहना चाहेंगे कैसे क्राइसिस को? नहीं, एक्चुअली क्या था, वो डांटा नहीं था, वो एक तरह की प्यार भरी सीख देने की कोशिश थी। बाद में मुझे बहुत डांट पड़ी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश ऐसा ही है, अगर आप थोड़ी सी कुछ नसीहत देने लग जाओ तो वो उल्टा आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इतना चिल्ला रहे लोग, कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, ये रखो वो रखो, लेकिन आप कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृपा करके उसका ध्यान दें। हालांकि इस समय हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, अब ये भी बात हो सकती है शायद। अभी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। OTT प्लेटफॉर्म में हम आपको कब देख पाएंगे? TG टॉपिक नया आया है OTT प्लेटफॉर्म, आपको हम लोग कब देख पाएंगे यहाँ पर? भाई हम अब इसमें क्या बताएं यार, तुम इतने अच्छे से भाभी जी घर पर हैं, देख रहा हो, तुम्हारे गुर्दे लाल ना हो रहे यार, तुम कहाँ कहाँ देखना चाहोगे हमें यार, हद हो गए, अब गुर्दे के मुँह को आ जाएंगे हमारे क्या? नहीं, इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा महीना लगभग चला जाता है, हमारे पास चाह कर भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है। अंदर की बात बोलो ना, धोने तक का टाइम ना है, सुबह से 8 से रात के 8 हो जावे हैं। काफ़ी बिजी रहते हैं ना? काफ़ी बिजी, काफ़ी। और एक चीज़ और है कि हम थोड़े से चैनल के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से भी बंधे हुए हैं, उसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है, क्योंकि पहले हमारे साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई उसकी वजह से जितने भी चैनल्स हैं बड़े वाले, उन्होंने मेजर एक्टर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एक शो का भी इसी तरह का हुआ है, आपने सुना होगा मराठी चैनल के, हाँ जी, एक्ट्रेस ने शो छोड़ दिया डायरेक्टली। कौन सा शो, कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं, देखिए ये अपनी अपनी इंडिविजुअल विचारधारा है, लेकिन कमिटमेंट एक चीज़ होती है जिसे हर आदमी का अपना अपना सत्य है। जैसे मैं और टिल्लू हमेशा ये चाहेंगे कि हम कमिटेड रहें चीज़ों के प्रति, क्योंकि हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है ना, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम साथ रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे। हाँ, जो आज आपको अवार्ड मिला है, उनका शेयर किसको देना चाहिए? यार ये अवार्ड अब मैं क्या बताऊँ कि बहुत छोटे थे जब माँ इस दुनिया से गुजर गई, बड़ी बहनों ने हमारा पालन पोषण किया है और बड़े भाई आदिल जैदी ने हमें इस लायक बनाया है, हाथ में कलम दिया है, तो मैं समझता हूँ ये अपनी बहनों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप का तो हमारी हर सांस पे हुकूमत है, उनका तो हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर बहनें और भाई इस काबिल निकल जाते हैं जो छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं मुंबई तक पहुँचाते हैं और ऐसे लोग मिल जाते हैं, बड़ी बात है। थैंक यू।